कैसे लगे फेमस कोल्ड कॉफी? इससे शंबूज में मिलती है, मैं तो वैसे इससे अच्छी तो मैं बनाता हूँ। हाँ करण अच्छी, करण को पैसे देना, सब करण कॉफी बना के बनाएंगे। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो नहीं बोलूँगा बट अनदर सीरीज़, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से उदयपुर और अभी बजे सुबह के 7:45 और बहुत ही कड़ाके की ठंड है। जस्ट होटल दर्शन में हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए। अगर हमने आपने हमारा इडर वाला व्लॉग देखा होगा तो ऑलवेज हम लोग होटल यहाँ पे दर्शन पे ही रुकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 60 से ज़्यादा वीडियोस डाल दिए हमारे चैनल पे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम लोग गुजरात से बाहर, इंडिया में गुजरात से बाहर जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। ऑलरेडी मॉरिशस एक बार कवर किया है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम गुजरात से बाहर जा रहे हैं शूट करने के लिए। सो वी आर प्रीटी मच एक्साइटेड। तैयार है? बोल नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा ठंड है। आशु तैयार है उदयपुर के लिए? यस लेट्स गो, लेट्स गो। तो अभी बज रहे हैं 9:15 और हम लोग रुके थे शामलिया फूड कोर्ट में। टी पोस्ट और शंभूज है यहाँ पे। जो जो गुजरात से उन सबको पता होगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा था तो अगर आप लोग नहीं अच्छा था, झूठ बोल रहा है कर। तुझे पोहा पसंद नहीं ना, इसीलिए ठंडा था यार। फूड अगर आप जा रहे हो राजस्थान के साइड गुजरात से तो यहाँ रुक सकते हो, अच्छा है। और दो तीन और रेस्टोरेंट है तो काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। आशु एक्सप्लेन करेगा उसने पोहा कैसे गरम किया था, तो पता लगेगा। आशु बता जरा इन लोगों ने पोहा कैसे गरम किया था, बता उसे। ओवन में डाल के ओवन को नहीं, ओवन में डाल के नहीं, ओवन को खोल के ओवन के बाजू में रखा पोहा और फिर वहाँ बाहर से गर्म कर रहे हैं, हवा ले रहा है गर्म गर्म। वो ओवन के बाहर से अंदर की हवा ले रहा था, पर ठीक था। जो हाईवे पे आपको फूड मिलते हैं उससे कंपेयर में थोड़ा अच्छा है। तो फाइनली पहुंच गए उदयपुर। यहाँ गवर्नमेंट अप्रूव पार्किंग है, वहाँ पे यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। सड़कें इतनी छोटी छोटी है कि कार लेके आप, बहुत ही मुश्किल है कार लेके ट्रैवल करना। सो ऑलमोस्ट सब होटल के अंदर पार्किंग नहीं, ऐसे गवर्नमेंट जो अप्रूव होते पार्किंग यहीं पे आप पार्क कर सकते हैं और फिर आपकी सामान लेके आपकी होटल की तरफ जा सकते। तो हम अभी भी अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं, तो अभी हम हमारे होटल की तरफ जा रहे हैं। यू कैन सी इतने छोटे छोटे रोड है, दो कार का निकलना बहुत मुश्किल है। आधे घंटे से हम इसी रोड पे घूम रहे थे तब जाके हमें पार्किंग मिला। अभी होटल में चेक इन करके मिलते हैं आपको। सो फाइनली गाइस पार्किंग मिल गई, हमें कर ली है, पहुँच गए हमारे होटल पर। और अब आपको देता हूँ मैं अपना रूम टूर। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये बाहर की एक बालकनी है, यहाँ पर हमारा रूम है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे बाथरूम, छोटा सा क्यूट है। और उसके साथ अंदर ये है रूम, दिस इज हाउ इट लुक्स। जो मेन बात है वो ये है, जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स गुड, इट्स रियली रियली गुड। यहाँ से जो रूफ टॉप है वो दिखता है और लेक का पूरा व्यू दिखता है। हमने बोला था लेक व्यू के लिए और वहीं पे मिला है। और इस जो होटल है उस होटल पे रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है, जो शायद अभी हम लंच करने के लिए जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे अंदर दूसरी बालकनी है जो कुछ ऐसे खुलती है, बहुत ही मस्त व्यू है। सो यह यही है हमारा रूम दो दिनों के लिए नेक्स्ट। और यहाँ पे मिरर के साथ साथ अलमारी दी गई है और सेफ और कॉफ़ी बनाने की मशीन।
वो भी दी गई है। सो आई गेस जो हमने प्राइस पे की है इस रूम की पर नाइट की कुछ 2200 रुपये तीन लोगों को मिला के वो वर्थ लग रही है हमें अभी भी। दिस इज हाउ द रूम टॉप रेस्टोरेंट लुक्स। यहाँ पे बैठ के जब ब्रेकफास्ट लंच या डिनर करते हैं तो ये जो लुक है ये जो व्यू है वो आपको मिलता है। और यहाँ पे हमारे दोनों शहनशाह बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो अच्छा लगा रूफ टॉप? ठीक है, व्यू देखा? व्यू देखा? हाँ व्यू देखा। डॉग देखा वहाँ पे? डॉग डॉग है। डॉग है तो छोटे वाला? नहीं बड़ा वाला। नहीं व्यू देखा तूने? व्यू तो देख गया मैं। व्यू है। देख रहा है वहाँ पे लैब्राडोर है शायद। भूख लग रही है, ऑर्डर करें। अब थोड़ा खाना खा रहे थे, बहुत जोर की भूख लगी है तो मिलते हैं। प्लान किया है दो तीन जगह घूमने। तो ये है फेमस जगदीश्वर टेम्पल और हमारा जो होटल है वो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और जगदीश टेम्पल से नीचे उतरते यहाँ पे राइट हैंड साइड पे गवर्नमेंट का पार्किंग है जहाँ पे आप कार पार्क कर सकते हो। तो ये जगदीश टेम्पल है और यहाँ से ये सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है गवर्नमेंट पार्किंग का वहीं पे हमने कार पार्क की है। और आसपास ही सभी होटल से रहने के लिए तो हमारी जो होटल है उसका नाम है जयवान हवेली, तो आप बुक कर सकते हो। उसके आसपास ही सारी चीज़ें जो ओल्ड उदयपुर सिटी में देखने लायक है वो सारी 500 मीटर्स के अंडर पे ही है। तो डेफिनेटली आप है वो वॉक बाय वॉकिंग ही आप सब कवर कर सकते हो, इसीलिए हमने कार यहाँ पे पार्क कर दी है। और आज के दिन हम कार लेके जा सके ऐसी प्लेसेस है वो कवर करने वाले हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो अभी हम लोग आ गए सहेलियों की बारी में जो कि हमारा जो होटल है उससे कुछ 15 किलोमीटर हमारा जो होटल है उससे कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक गार्डन है। ये सहेलियों की बारी की जो टिकट है वो 20 रुपये है इंडियन टूरिस्ट के लिए और 100 रुपीज़ है फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो गाइस अभी हम लोग आए सहेलियों की बारी में जो राजा संग्राम सिंह ने अपनी 48 जो मेड थी रानी के साथ जो आई थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। ये गार्डन जो पूरा है वो राजा ने खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था। तो ये आपको जो सामने फाउंटेन्स दिख रहे हैं वो दोनों तरफ चार चार फाउंटेन्स हैं और इस फाउंटेन को वेलकम फाउंटेन बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि रानी और इसकी जो मेड सेंटर करती थी तो ये फुहारे ऑटोमेटिक है वो ऑन हो जाते थे और इसीलिए इस जो फाउंटेन्स है उसको वेलकम फाउंटेन्स बोलते हैं। तो अभी जो आपने अंदर फाउंटेन देखा उससे बाहर वापस निकलते ही आसपास दोनों जगह पे गार्डन है। तो अभी गार्डन थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो सहेलियों की बारे में जो मैंने आपको दिखाया पहले वो बड़ा फाउंटेन है, फिर ऐसे छोटे छोटे दो तीन और फाउंटेन है और आसपास गार्डन बने हुए हैं। तो एग्जैक्टली जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो रानी थी और उसके जो 48 दासियाँ थी उसके साथ मेड्स आई थी उन सब के एंटरटेनमेंट के लिए और प्लेजर के लिए ये पूरी प्लेस बनाई गई थी ताकि अगर कहीं बाहर आके उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो यहाँ वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। तो इतना कुछ खास नहीं है देखने के लिए। आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कम से कम 15-20 मिनट में आप पूरा कवर कर सकते हो। गाइड रखना है तो 100 रुपीज़ में आपको गाइड भी मिल जाएगा, हमने नहीं रखा है तो वो 75 भी कर देता। हमको बोल रहा था पीछे से चिल्ला चिल्ला के 75, पर हमने नहीं रखा क्योंकि हमें पता था ऑनलाइन हम पढ़ के आए थे इतना कुछ खास देखने को है नहीं, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो।
तो ये जो शिल्पग्राम है वो वेस्टर्न जो स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, उनके जो कल्चर है उन सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि गुजरात की गांधीनगर के पास जो पेठापुर है उसके जो घर और झुपड़ी पहले मिलते थे वो यहाँ पे है, राजस्थान के जो घर थे पहले के ज़माने के वो सब। तो ऐसी कल्चरल चीज़ें जो है वो यहाँ शिल्पग्राम में है। उसकी जो एंट्री है वो सुबह 11 से, अभी कोरोना के हिसाब से, मतलब कोरोना की वजह से अभी ये लोग 4 बजे एंट्री बंद करते हैं। वैसे अगर कोरोना नहीं होता तो उसकी जो एंट्री वो 7 बजे तक होती है। 55 रुपीज़ है वो टिकट है पर पर्सन, और फॉरेन नेशनल्स के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ है। और देखते हैं कैसा है शिल्पग्राम। एज़ यू कैन सी यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो पुराने ज़माने में जैसे घर बनाते वैसे टाइप के बने हुए हैं। अलग अलग कल्चर की जो अलग अलग चीज़ है उसके ऐसे यहाँ पे स्टॉल बने हुए जो पुराने घर की बात कर रहे थे वो ऐसे यहाँ पे बना के रखे हैं। सामने भी एक है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है। पूरा जो विलेज टाइप की वाइब होती है वो पूरा वाइब दे रहा है अभी। और उसके बाजू में यहाँ पे अलग अलग पोजेस करते हुए योगा वाली मूर्तियाँ हैं। और यहाँ ऊपर पूरा स्कल्पचर पार्क है एज मेंशन हियर। ऐसे वाइट पत्थर में स्कल्पचर बनाया। तो ये है स्कल्पचर पार्क जो वाइट पत्थरों में बनाया गया है। तो ऊपर आके काफ़ी सारी चीज़ें इसमें की गई है, इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक अब यहाँ पे बस इतना ही देखने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है सज्जनगढ़ फोर्ट, तो वहाँ चलते हैं। जो नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट है उन सब लोगों ने मिलकर ये पूरा स्कल्पचर पार्क बनाया है। अलग अलग उस पर चीज़ें हैं वो कार्विंग्स की गई है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है तो आई डोंट नो काफ़ी चीज़ें दिखाई भी नहीं दे रही होगी इसमें, बट बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग है अगर यहाँ पे आ रहे हो। शिल्प ग्राम है, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो एंट्री फी है जो 55 रुपीज़, डेफिनेटली वर्थ है। काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी जो यहाँ पे दिखने को मिलती है, कैसे कैसे पुराने ज़माने में घर हुआ करते थे, कौन कौन से वेस्टर्न जो स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, उन सब में जो पहले की चीज़ें हुआ करती थी वो कैसी है सब यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाई है, बट डेफिनेटली अगर आपके पास 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास का टाइम है तो ये प्लेस विज़िट करने लायक है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग सज्जनगढ़ पहले से वो नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे जो रोड से वो काफ़ी नैरो और हम दो जगह पे फंस गए थे। तो 5 बजे का जो टाइम था वो हम लोग मिस कर गए, पहुँच नहीं पाते 5 बजे तक। तो हम लोग फतेह सागर लेक आए, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और जो स्ट्रीट फूड है वो यहाँ का बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है। कोल्ड कॉफ़ी एक जगह पर बहुत अच्छी मिलती है तो वो भी ट्राई करेंगे।
अब एक पॉइंट जो आपको नोट करना है वो कि अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हैं तो हो सके तो कार से मत घूमिए, बाइक से घूमिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे नैरो रोड है तो बहुत जगह पे आपको ट्रैफिक मिलेगा और प्रॉब्लम होगा, कार निकल नहीं पाएगी। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाइक रेंट करके घूमिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और कुछ ऐसा नज़ारा है फतेह सागर लेक का, लेक के आस पास यहाँ पर लोग कार पार्क करके एज यू कैन सी बैठ गए हैं और सभी अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर कार पार्क करके, और सामने की तरफ है वो पूरा स्ट्रीट फूड का है। तो अभी देखते हैं क्या खाने का मन कर रहा है। हाँ अंजलि कुछ बोल रही थी तो ना, हम अपनी थकी हुई शक्लें दिखाना चाहते थे और तूने गाड़ी कैसे निकाली वो हम शूट करना भूल गए। वो शूट नहीं किया ना, वो मेरे को लिटरली शूट था, वो ऊपर वाले लोग हूटिंग करने आ गए थे बिकॉज हम लोग अभी वो जो सज्जनगढ़ फोर्ट जाने वाले थे ना, तो वहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रीट है वहाँ पे अंदर कार डाल दी और स्ट्रीट इतनी नैरो थी कि वहाँ से एक एक बाइक निकल सकती है एट अ टाइम, वहाँ पे हमने कार डाल दी और बाजू में एक गटर थी बड़ी सी, उसमें टायर जाते जाते बचाए आशु की वजह से। और आशु को पूरे दिन मजा नहीं है लेकिन उस समय बड़ा मजा आया। आशु पूरे दिन ऐसी शक्ल बना के घूम रहा है, पर जब हमारी कार फंस गई ना वहाँ पे तब आशु बहुत खुश हुआ, अब बोल रहे हैं आप मजा आया उदयपुर आने का। शो दिखा दिया हमने वहाँ के दो चार फैमिलीज को, वो फैमिलीज वहाँ पे टेरेस पे ऊपर आ गए और टेरेस पे हमसे देख रहे, बोल रहे यहाँ कौन कार डालता है, बोलो हमें भी पता चला वहाँ बंद, हमें पता नहीं था वहाँ क्या डालना, हमें नहीं पता था कि इतनी नैरो होगी। और एक बंदा बैठा था वहाँ पे वो बोलता हाँ आराम से, वो नशे में था, वो बोलता हाँ आराम से ले लो चले जाओ हो ही जाएगा। मुझे लगता है उससे ऐसा लगता होगा कि एट अ टाइम एक ही टायर जाता होगा ऐसा, इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप लोग उदयपुर आ रहे हैं तो बाइक रेंट करके घूमिए, बहुत सही रहेगा, बहुत टाइम बचेगा आपका। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं साईं सागर, जो कि फतेह सागर लेक पे एंड पे है, उसकी जो कोल्ड कॉफ़ी बहुत फेमस है। वो ऐसा हमारे होटल का जो रिसेप्शनिस्ट है और ऑनर है दोनों ने बोला था कि साईं सागर में अच्छी कॉफ़ी मिलती है, तो वहीं जाके देखते हैं कैसी है कोल्ड कॉफ़ी। कैसे लगे फेमस कोल्ड कॉफी? इससे शंभूज मिल रही है, मैं तो वैसे इससे अच्छी तो मैं बनाता हूँ। हाँ करण अच्छी, करण को पैसे देना, सब करण कॉफी देना की बनाएंगे। तो आधे पौने घंटे हम लोगों ने यहाँ बैठ लिया है, उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी के बाद हमने चाउमीन भी खा लिया और फिर मोमोज भी खा लिए। ओके ओके स्ट्रीट फूड है, इतना कुछ खास नहीं है। और फिर नाइट जो सनसेट फोटोग्राफी है वो भी हम लोगों ने कर ली है। तो और यहाँ पे जो एक्वेरियम है सामने अगर आपको दिख रहा है तो वो एक्वेरियम अभी बंद है, बोटिंग यहाँ पे जो होती है वो भी बंद है, अभी कोरोना के वजह से सब कुछ बंद है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो दिसंबर में या फिर जनवरी में तो बोटिंग आई गेस सिर्फ एक लेक पैलेस है वहीं पे चालू है, बाकी सब जगह पे बंद है। और जितने भी फोटोज हमने खींचे वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, हमें तीनों की आईडीज में यहाँ पे नीचे आ रही होगी, तीनों की आईडीज पर फॉलो कर लिए हम तीनों को, फोटोज जो पूरी जो राजस्थान की ट्रिप होते हैं पूरी उसके सारे फोटोज इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो अभी टाइम है होटल पे वापस जाने का, क्योंकि 8 बजे कर्फ्यू हो जाता है, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, तो चलते हैं होटल वापस। एंड दिस इज़ आवर होटल जयवाना हवेली, बहुत ही मस्त लग रही है। वो हमारा डॉग है और ये हमारा डॉग है मॉली, यहाँ बैठा हुआ है। मॉली नाम है, क्या नाम उसका था? हाय मॉली, सो माइलो, माइलो हियर। सो फाइनली पहुँच गए रूम पे, थर्ड फ्लोर पे चल के आए, थोड़ा नीचे माइलो मिल गया था तो उसके साथ खेल रहे थे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो उदयपुर का पार्ट 2 रिलीज हो तो आपको उससे सबसे पहले अपडेट मिले। और आई सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और तब तक हम लोग थोड़े इसके नज़ारे के मज़े लेते हैं बालकनी से, अभी जा रहे हैं रूफ टॉप में बैठने के लिए, डिनर करने के लिए, फिर वहाँ पे 11 बजे तक अलाउड है बैठना, तो वहीं पे जा रहे हैं। तो व्लॉग को यही इन करते हैं एंड आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।